दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए आज एक खुशखबरी लेके आया हूँ। वो खुशखबरी ये है कि एमसीसी ने ये क्लियर कर दिया है कि इस साल एडमिशन के लिए टोटल 18 एम्स होंगे। इन 18 एम्स में कितनी सीटें होंगी और ये टोटल फर्स्ट राउंड की क्या कट ऑफ जा सकती है, इन में कितनी सीटें इंक्रीज होंगी, ईडब्ल्यूएस की कितनी सीटें इंक्रीज होंगी, इससे फर्स्ट राउंड की एमसीसी की कट ऑफ पर क्या फर्क पड़ेगा, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मैं आपको इसका पूरा एनालिसिस बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि इसमें कितनी सीटें इंक्रीज होंगी इस साल 2020 के लिए। तो मैं कल के एक डाउट सेशन के बारे में बता देता हूं, क्योंकि मैंने काफी स्टूडेंट से जब उनके फोन पे बात की तो उनका ज्यादातर डाउट ये था कि 15% ऑल इंडिया कोटा में EWS और OBC की सीट होती है क्या। तो मैंने कल इस विषय में वीडियो भी बनाया था, लेकिन उस पर काफी स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर इनमें ये सीटें होती हैं 15% पर। तो मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि जो 15% ऑल इंडिया कोटा है उसमें EWS और OBC की सीटें नहीं होती हैं। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी MAMC, LHMC, UCMS, BHU, AMU, AIIMS, जिपमर, इन सभी में EWS और OBC की सीटें होती है। 15% ऑल इंडिया कोटा में जो स्टेट की कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं उनमें OBC और EWS की सीटें नहीं होंगी इस साल। तो ये आपको बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाना चाहिए इससे। अब हम बात करते हैं एम्स के बारे में। तो इसमें एम्स में जो पिछले साल तक एडमिशन हुआ था वो टोटल 15 एम्स में एडमिशन हुआ था। टोटल जो सीटें थी 1150 सीट्स थी टोटल, लेकिन इस बार जो ऐड हुए हैं 3 नए एम्स ऐड हुए हैं उसमें ये तो क्लियर हो गया है कि राजकोट इसमें ऐड हो गया है 50 सीट्स के साथ में। लेकिन जो 2 एम्स कौन से ऐड हुए हैं ये एमसीसी ने अभी क्लियर नहीं किया है, लेकिन ये क्लियर कर दिया है कि इस साल 18 एम्स होंगे। अब इसमें जो अंडर कंस्ट्रक्शन एम्स हैं, जैसे मदुरई तमिलनाडु में है, विजयपुर जम्मू में है, अवंतीपुरा कश्मीर में है, बिलासपुर हिमाचल में है, चंदसारी आसाम में है, रेवाड़ी हरियाणा में है और दरभंगा बिहार में है, इनमें 2 एम्स और ऐड होने हैं जिसमें 100 सीट्स होनी है ऐड। तो हमारे पास टोटल पहले ये 1200 सीट थी एम्स की, उसमें 100 सीट और जोड़ते हैं तो टोटल इस बार जो एम्स की सीटें होंगी 1300 सीट्स होंगी। इसके बाद एमसीसी ने यह भी क्लियर कर दिया है कि इस बार जो एम्स है उसमें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कोटा होगा। तो जब इसमें ईडब्ल्यूएस का कोटा होगा तो एज ए गवर्नमेंट के अनुसार इसमें 25% सीटें बढ़ेंगी, यानी कि जिस एम्स में 100 सीट्स हैं उस एम्स में 125 सीट्स होंगी उसमें। तो जब ये 25 सीट्स इंक्रीज होती हैं तो टोटल 1300 सीट्स पर 25 सीटें बढ़ेंगी तो 325 सीट्स इंक्रीज होंगी एम्स की इस बार। तो ये जब इंक्रीज होती हैं तो टोटल 1625 सीट्स एम्स की टोटल सीट होंगी इस साल के लिए। अब हम बात करते हैं कि ये तो होगी एम्स की टोटल सीटें, एम्स की टोटल सीटें हो गई 1625 सीट्स, एम्स की टोटल सीट होगी। ये सीटें पिछली बार एमसीसी की काउंसलिंग में ऐड नहीं हुई थी, तो हम ये मान सकते हैं कि ये सीटें ऐड होने के बाद और कुछ जो गवर्नमेंट कॉलेज नई ऐड हुई हैं उनमें भी ये जो सीटें ऐड होंगी उनका 15% सीट ऐड होंगी इसमें, तो ये टोटल 2000 के नियर बाई इस बार पिछली बार से ज्यादा ये सीटें ऐड हो सकती हैं। तो इसमें जब 2000 सीटें ऐड होंगी तो फर्स्ट राउंड की मेरा जहां तक अनुमान है 620 के नियर बाई कट ऑफ जाएगी एमसीसी की। तो ये छोटी सी जानकारी थी और ये खुशी की बात है कि इस बार 3 नए एम्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, उसमें टोटल 325 के नियर बाई सीट इंक्रीज हो रही हैं। अभी एमसीसी ने सीट मैट्रिक्स नया रिलीज नहीं किया है,
वो एक आध दिन में रिलीज कर देगा, तो हमारे को ये फाइनल हो जाएगा कि टोटल कितनी सीटें हैं ऑल इंडिया कोटा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ईएसआईसी और डीम्ड के लिए कितनी सीटें ऐड हो रही हैं। तो ये क्लियर हो जाएगा एक दो दिन में। तो ये जो मैंने आपको बताया है ये बिल्कुल बिल्कुल सही है कि इतनी सीटें ऐड होंगी, इससे ज्यादा सीट भी ऐड हो सकती है। तो जैसे ही इसके बारे में कोई अपडेट मिलेगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो दोस्तों अगर आप काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने बुक लिखी है, हर एक के लिए बुक लिखी हुई है, ऑल इंडिया कोटा के लिए, बीडीएस के लिए, बीएमएस के लिए, वेटनरी के लिए, तो आप उनमें जानकारी ले सकते हैं और काउंसलिंग में वो आपकी काफी हेल्प करेंगी। इसके अलावा आप उसमें सीट मैट्रिक्स देख सकते हैं, ट्यूशन फीस देख सकते हैं, उसमें चॉइस फिलिंग के लिए कॉलेज का ऑर्डर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से वो बुक की आप हेल्प ले सकते हैं, उसको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से या हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक मैं हर्षाय चोपड़ा आपसे लेता हूँ विदा। जय हिंद।